मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। आज की स्टोरी में हम पहले देवताओं की पूजा करेंगे, उसके बाद जाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय और फिर देखेंगे हम राम जी की जो सवारी निकली है, जिसे हम लोग कहते हैं राम की बारात। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि हमारी और ऐसी आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और गाइस, आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की ये न्यूज़ स्टोरी। शुरुआत करते हुए कृष्णा को सबसे पहले पड़ी डांट और फिर वो मेरे पीछे भाग गया। या तो गाइस, कृष्णा लड़ रहा है मेरे साथ, अभी इसको पड़ी डांट और अब हम चल रहे हैं नीचे। कृष्णा कहाँ गया? नीचे हो रही है पूजा की तैयारी और पृथ्वी लेके जा रहा है जिन पत्तों के ऊपर हम पूजा करेंगे। उन देवताओं के जो श्राद्ध चल रहे थे आज वो पूरे खत्म हो गए, तो आज से सारे श्राद्ध खत्म। और क्या तो गाइस, गुन्नी बोल रहा है कि इसको ऊपर रखना है और यहाँ पृथ्वी खेल रहा है अपने ताऊजी के साथ और दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बॉडी दिखा रहे हैं। पत्ते कहाँ से लाया तू? पृथ्वी, पत्ते कहाँ से लाया था तू? क्या बहुत दूर से? अच्छा जी, तो गाइस कृष्णा हो गया रेडी। इधर कौन स्कूल जा रहा है तू? क्या ढूंढ रहे हैं? साइकिल में क्या हो गया तेरी? चले आज भी छुट्टी कर ले। पेपर है का? मैथ का। ओ भाई, आज इसका पेपर है मैथ का, तो बेस्ट ऑफ लक बोल दो सभी से। आज सारे कनागत खत्म हो गए क्या? बस ठीक है। तो गाइस, अभी चल रही है हमारी पूजा की तैयारी और थाली में प्रसाद बिल्कुल लगा दिया है गया है और फिर हम छोटी छोटी अंगारियों पर घी डालेंगे और उसके बाद हम चढ़ाएंगे अपना प्रसाद। सबके प्रसाद चढ़ाने के बाद बारी आती है मेरी और मैं भी प्रसाद चढ़ा लेता हूँ फटाफट, क्योंकि फिर हमें जाना है जवाहर नवोदय विद्यालय में। गाइस, अब चलते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय को, आपको दिखाते हैं कैसा है और हमारे यहाँ से कितनी दूर पड़ता है, जो कि बघरा में है। अब कैसे जाएंगे, किस तरीके से हम जाएंगे? तो जो हम जाएंगे, जिस रोड से हम जाएंगे वो रोड है पानीपत खटीमा मार्ग। अभी मैंने लास्ट वाली जो वीडियो डाली है वो पानीपत खटीमा मार्ग की है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो गाइज, अब हम आ गए हैं बघरा के अंदर और बघरा का जो बाईपास बनाया है उसकी वजह से बघरा के अंदर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, नहीं तो पहले यहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता था। तो गाइस, फाइनली हम पहुँच गए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में और गाड़ी पार्क कर रहे हैं, हम जाते हैं उसके अंदर। ये है यहाँ का लुक। ये कुछ ऐसा नज़र आता है, तो मैं तो एक्साइटेड हो रहा भाई बहुत। यहाँ पर लिखे हैं विद्यालय के उद्देश्य, वहाँ कर रहे हैं भाई एंट्री, जितने आदमी आते जाते हैं। प्रेस भी नहीं देनी।
other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. आज दुकान में बैठ के देख रहे हैं मैच, और मैच में अभी तक तो बढ़िया मज़ा आ रहा था। अब 7 विकेट हो गए हैं, और 7 विकेट के साथ होने के बाद एक अलग ही खुशी हम लोगों को मिली है। तो अभी और मैच देखते हैं और बताते हैं आपको पूरा हाल, क्या क्या हम देखेंगे और क्या मज़े लेंगे। तो आज राम की बारात भी निकल गई है, तो वो बारात भी आपको आज नहीं दिखाएंगे। हाँ क्या है, क्या रहा? क्या हो गया? तो गाइस अभी पृथ्वी जा रहा है, और ये डर भी रहा है बहुत ज्यादा। क्या हो गया, क्यों डर रहा है? भाई राम की बारात देखकर इस वीडियो करते हैं यही एंड। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, लगे तो लाइक कर देना, चैनल को नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए स्टोरी पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one.